नमस्कार देवी और संजनों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए गेम प्ले के अंदर। और आज से मेरे चैनल के अंदर शुरू हो रहा है टाटा आईपीएल 2023 का गेम प्ले। पहला मैच गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, ये मैच खेला जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और आप यहां पे दोनों टीमों के लाइनअप देख सकते हो। मैं खेल रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स को लेके, क्योंकि मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैंने खिलाया है ऋतुराज गायकवाड़, डिवन कनवे, मोइन अली, उसके साथ अंबती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, बेन स्टोक्स, मिचेल सैंटनर, दीपक चाहर, एडम मिलने को। तो काफी अच्छा स्क्वाड मुझे लगता है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉस के अंदर। और मैं यहाँ पे चूज करता हूँ भाई, टेल से चूज करता हूँ। चलिए, और मुझे भाई बॉलिंग चाहिए यार। अरे गुजरात जीत गया भाई, गुजरात वन द टॉस। भाई बैट ले ले भाई, बैट ले ले यार। ओके, तो गुजरात ने टॉस जीत के बॉल करने का सिद्धांत लिया है और हमें करना है बैटिंग। वैसे ये जो स्टेडियम है, मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये वीवो आईपीएल दिखा रहा है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। अगली बार से जितने भी स्टेडियम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सब में टाटा आईपीएल लिखा होगा। तो पहला बॉल, और चलिए ऋतुराज गायकॉट ऑन द स्ट्राइक। ओ भाई साहब, ये तो वाइड बॉल है भाई। हाँ बिल्कुल, पहला बॉल वाइट के साथ शुरुआत काफी बढ़िया हुई है हमारे लिए। देखते हैं भाई, वाइड बॉल से शुरुआत हुई है। मोहम्मद सामी, और ये भाई निकल गया गेम, भाई चौका मिलेगा। शानदार शॉट ऋतुराज गायकॉट के बैट के अंदर से, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक सीधा कवर के दिशा में, बहुत बढ़िया। ये देखिए फुट प्लेसमेंट काफी बढ़िया है। तो चलिए दूसरा गेम, क्या होगा दूसरा गेम पे भी। गैप तो मुझे वहीं पे दिख रहा है और गेम भी शायद वहीं पे होगा। और ओ भाई काफ़ी अच्छा स्विंग, भाई आउट स्विंग काफ़ी अच्छा डाला यहाँ पे मोहम्मद सामी ने, काफ़ी बढ़िया कमबैक। भाई जितने भी फील्डर्स मेरे ऑफ साइड पे है, सभी तीसरे घेरे के अंदर है, मैं उधर ही मारने का कोशिश करूँगा, मगर इधर जो है फील्डिंग के हाथों भाई बॉल कवर्ड, मिड ऑफ, पॉइंट, गली, सभी जगह पर जो है फील्डर दे के यहाँ पे हमारे ऑफ साइड पे ही भाई बॉल किए जा रहे हैं भाई मोहम्मद सामी। काफ़ी अच्छा टैक्टिक्स इनका, क्या निकल पाएगा भाई दूसरा गेम। और यहाँ पे एक और शॉट, और यस फाइंड द गैप एंड चौका मिलेगा यहाँ पे चौका मिलेगा भाई, कोई रोक नहीं सकता। तो इसी ओवर का दूसरा चौका ऋतुराज गायकोट के बैट से। वैसा दोस्तों मैच होने वाला है सिर्फ 5 ओवर का, क्योंकि 20 ओवर का मैच हम लोग नहीं खेलेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो 5-5 ओवर का मैच खेलेंगे, 5 ओवर का बैटिंग, 5 ओवर का बॉलिंग। तो चलिए अगले बॉल पे देखते हैं कहां से निकलेगा गेम, और वहीं पे मारूंगा मैं। और यस फाइंड द गेम एंड और चौका मिलेगा वापस, बहुत बढ़िया। यहां पे ऋतुराज गायकोट का बहुत ही सुंदर शॉट भाई, कवर के दिशा में एक के बाद एक चौका। और यहाँ पे मोहम्मद सामी जो है परेशान। और रिप्ले में देखिए क्या ही क्लासिक शॉट खेला है ऋतुराज गायकोट ने, काफी सुंदर कवर की दिशा में सीधा स्ट्रोक शॉट फ्रंट फुट पे और चौका। मोहम्मद सामी को यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे रन आ चुके हैं भाई पहले ओवर में ही, आखिरी गेम इस ओवर का। और बिल्कुल वहीं पे खेला, मगर यहाँ पे इस बार फील्डिंग के हाथों। तो एक ओवर के समाप्ति पे 13 रन विदाउट एनी विकेट्स। अब आ रहे हैं लेफ्ट हैंडेड डेवन कनवे और शिवम नावी, हमारे इंडियन बॉलर शिवम नावी, राइट हैंड फास्ट मीडियम गेंदबाज। भाई यहाँ पे एक बॉलर एक ही ओवर डाल सकता है, तो ऐसा ही गेम का मैंने टैक्टिक्स करके रखा है। और ये पहला बॉल, और यहाँ पे विकेट। अरे यार पहला बॉल भाई लेग साइड खेलने गए और सीधा फील्डर के हाथों, फील्डर वहीं पे था, सीधा कैच। कैच देख लीजिए एक बार, और यहाँ पे स्क्वायर लेग का फील्डर के हाथों में सीधा कैच। ये देखिए काफी शानदार कैच है भाई। और ये जर्सीज आप देख रहे हैं भाई, एकदम 2023 के नए जर्सीज हैं, और जो स्क्वाड मैंने रखा है ये भी 2023 के हैं भाई। ये गेम मैं थोड़ा पहले शूट कर रहा हूँ, तो अगर रियल मैच में अगर कोई चेंज होता है तो वो मैनेज कर लीजिएगा। और ये वैसे एक प्रेडिक्शन मैच है, रियल मैच के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, तो कोई मत बोलना कि चेन्नई जो है जीत गया फर्स्ट मैच में और यहाँ पर मैं हार भी सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोइन अली आते हुए, और पहले ही आते हुए एक सिंगल रन देते हुए ऋतुराज गायकोट को।
चलिए ऋतुराज गायकोट ऑन द स्ट्राइक। तो ऋतुराज गायकोट एकदम तैयार, काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। अगला गेम और सीधा डीप के तरफ, भाई लेग साइड में डीप के तरफ खेल दिए मगर वहाँ पे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। काफ़ी अच्छा थ्रो भाई यहाँ पे, और यहाँ पे बढ़िया कमबैक गुजरात टाइटन्स का, क्योंकि इस ओवर से भाई एक विकेट तो उनको मिल चुका है और ज़्यादा रन भी नहीं गया। अगला बैट्समैन मोइन अली ऑन द स्ट्राइक, बॉल कर रहे हैं शिवम नवी। कहाँ पे खेलेंगे भाई, स्ट्रेट ड्राइव करना चाहा मगर यहाँ पे बॉलर ने पकड़ लिया गेम। बहुत बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग बॉलर का, शिवम नवी द्वारा बहुत बढ़िया फील्डिंग। तो सीएसके के बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर, क्योंकि 5 ओवर का ही मैच है, 2 ओवर ख़त्म होने को वाले है। और यहाँ पे शिवम नवी ने एक शॉट गेम, और यहाँ पे सीधा शॉट लेग पे भाई एक फील्डर, रन नहीं मिलेगा। और बाई एक ओवरथ्रो हुआ था मगर हमने यहाँ पे रन नहीं लिया। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बाउंसर, सरप्राइज बाउंसर मोइन अली। क्या अगला गेम कुछ कर पाएंगे, लेग साइड क्लियर है एकदम, मैं सोच रहा हूँ वहीं पे खेलूँ मगर ओ ये भाई पैट पे लग गया और हम यहाँ पे मौका मिला, 1 रन 2 रन तो ले ही लेंगे भाई। तो बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैट्समैन के अंदर, काफ़ी अच्छा 2 रन यहाँ पे सीधा भाग लिए भाई लेग बाई के इशारा अंपायर द्वारा। और यहाँ पे ओवर ख़त्म, 2 ओवर यहाँ पे ख़त्म होते हुए, 2 ओवर की समाप्ति पे 17 रन 1 विकेट पे चेन्नई सुपर किंग्स। और यहाँ पे तीसरे ओवर डाल रहे भाई रशीद खान, भाई वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, मुझे लगता है कि मुझे बहुत पसंद है भाई रशीद खान। रशीद खान डाल रहे हैं ऋतुराज गायकोट को, पहला गेम रशीद खान का, और यहाँ पे ऋतुराज गायकोट का काफ़ी अच्छा भाई डाउन द ग्राउंड शॉट, और यहाँ पे शायद चौका मिलेगा। ओ नहीं, फील्डर पकड़ लिया भाई, यहाँ पे 2 रन तो ज़रूर मिलेंगे भाई। काफ़ी अच्छा भाई यहाँ पे फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि चौका बचाया भाई यहाँ पे अपने टीम के लिए, 2 रन यहाँ पे बचाए और हमने 2 रन भाग लिए। वापस से ऋतुराज गायकोट, और इस बार भी भाई सीधा खेला मगर इधर सीधा बॉलर के हाथ में भाई कॉटन बोल्ड ऋतुराज गायकोट। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पे रशीद खान के द्वारा, गुजरात टाइटन्स बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए, और यहाँ पे सीएसके प्रेशर में, क्योंकि काफ़ी अच्छा बैट्समैन ऋतुराज गायकोट जो है अब चलते बने सीधे पेविलियन के तरफ। और यहाँ देखिए, मैंने सोचा था कि भाई मैं सीधा खेलूँगा मगर सीधा इसके हाथ में आ गया भाई, 9 बॉलों में 15 रन करके ऋतुराज गायकोट पेविलियन की तरफ जाते हुए। अगला बैट्समैन भाई एमएस धोनी, क्योंकि मुझे भाई एमएस धोनी बहुत पसंद है, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इस साल शायद आईपीएल का एमएस धोनी का आखिरी सीज़न होने वाला है, तो देखते हैं भाई एमएस धोनी कितना कुछ कर सकता है। और पहला बॉल यहाँ पे स्वीप शॉट, 1 रन मिलेगा, क्योंकि भाई काफ़ी तेज़ भागते हैं दोनों भाई, मोइन अली और एमएस धोनी का पार्टनरशिप भाई यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ेगा, वरना सीएसके जो है भाई रन बना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अगेन रशीद खान वर्सेस मोइन अली, और यहाँ पे लेग साइड पे खेल दिया मगर फील्डर मौजूद, 1 रन तो भाई भाग लेंगे हम यहाँ पे। काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं भाई एमएस धोनी, भाई रन ज़्यादा नहीं बना तो मुझे यहाँ पे एमएस धोनी को लेके भाई थोड़ा यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। एक बड़ा पावरफुल शॉट खेलता हूँ, देखता हूँ कि 6 चला जाए तो बहुत अच्छा। और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकला हुआ बॉल और सीधे जाते हुए, ओ भाई सेव कर दिया फील्डिंग, अरे यार शिट, चौका बचा लिया भाई इसने, और शायद मैंने ध्यान नहीं दिया तो 1 ही रन मिला है शायद मुझे। और महेंद्र सिंह धोनी भाई नाखुश भाई, यहाँ पे गुजरात टाइटन्स के भाई फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छे रन सेव कर रहे हैं भाई, फील्डिंग काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, 2 चौके उन्होंने बचा लिए भाई। और यहाँ पे मोइन अली खेलना चाह लेग साइड की तरफ मगर पढ़ नहीं पाए गेम को। और यहाँ पे तीसरा ओवर ख़त्म होते हुए, 3 ओवर के समाप्ति पे 22 रन 2 विकेट के बदले, रन यहाँ पे भाई ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि मैं ये मैच हारने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं होगा भाई, डिफ़िकल्टी थोड़ा हार्ड है। और यहाँ पे अल्जारी जोपेस, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर अल्जारी जोपेस, सामने एमएस धोनी भाई अभी तक कुछ नहीं कर पाए, मुझे नहीं लगता कि कितना देर टिक पाएंगे। और यहाँ पे भाई एक शॉट खेलना चाहा मगर सीधा फील्डिंग के हाथ में, भाई हार्ड, थोड़ा हार्ड तो है भाई गेम। और फिर से बता दूं भाई, रियल मैच के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई भी रियल मैच के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है, जस्ट ये गेम है और कुछ नहीं। और फिर से खेलना चाहा मगर यहाँ पे टाइमिंग सही से नहीं हो रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, और बॉल जा रहा है सीधे फील्डिंग के हाथों में। अल्जारी जोपेस अभी तक 2 गेंदों में 0 रन, काफ़ी अच्छे गेंदबाज
गुजरात टाइटंस भाई इस बार टीम काफ़ी तगड़ा बनाया भाई। और यहाँ पे भाई लेग साइड पे खेलते हुए मगर यहाँ पे फील्डिंग शायद पकड़ लेगा। जी हाँ, यहाँ पे भी चौका नहीं मिलेगा, डीप के तरफ खेल दिया था, चौका नहीं मिला भाई। यहाँ पे भाई काफ़ी देर हो चुका है, बाउंड्री नहीं मिला भाई अभी तक इस टूर्नामेंट में, मैं अभी तक एक भी छक्का मार नहीं पाया हूँ। और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी एक और गेंदबाज खेलते हुए, पीछे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा शायद। जी हाँ, तो अभी स्ट्राइक पे हैं मोइन अली गेंदबाज अल्जारी जोपेस। क्या मोइन अली कुछ कर पाएंगे, कोशिश करता हूँ भाई। और यहाँ पे सीधा ऊपर खेला भाई, गेम काफी ऊपर चला गया, लगता है कैच होगा, नीचे फील्डर मौजूद। जी हाँ, यहाँ पे कैच आउट होते हैं मोइन अली मिड ऑफ के फील्डर के पास। खेलना चाहता भाई क्योंकि टीम के ऊपर प्रेशर गिर रहा था मगर कुछ नहीं कर पाए, टाइमिंग सही से नहीं हुआ। और यहाँ पे मोइन अली ने अपना विकेट गंवा दिया, 7 गेंदों पे 2 रन और कैच पकड़ा भाई हार्दिक पांड्या। अब आ रहे हैं भाई रविंद्र जडेजा, जद्दू भाई हमारे, और सामने महेंद्र सिंह धोनी, अल्जारी जोपेस। कुछ कर पाएंगे क्या, आखिरी गेम इस ओवर का। और महेंद्र सिंह धोनी ने खेलना चाहा मगर सीधा फील्डर के हाथ से भाई, डिफिकल्टी कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया लगता है भाई। एक भी शॉट नहीं जा रहा है। अगले गेंदबाज कौन है देखते हैं भाई, रविशाई किशोर स्पिनर है भाई, सामने रविंद्र जडेजा। पहला बॉल और यहाँ पे उठा के खेला और छक्का होगा क्या, फील्डर नीचे मौजूद और यहाँ पे अरे यार कैच आउट भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हार्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो यहाँ पे एक और विकेट भाई चेन्नई सुपर किंग्स का जाते हुए, रविंद्र जडेजा डग आउट भाई, 0 रन, 1 बॉल पे 0 रन, डग आउट होते हुए यहाँ पे रविंद्र जडेजा। अम्बती रायडू को भेजता हूँ, चलिए अम्बती रायडू भैया तू कुछ करके आ भाई, क्या कर रहा है। तो अम्बती रायडू को ही मैंने खिलाने वाला हूँ। और यहाँ पे अम्बती रायडू उतरते हुए, मुझे नहीं पता भाई मैं इस गेम में, देखो 25 रन ही हुए, 4 विकेट यहाँ पे गिर चुका है भाई, आखिरी ओवर चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अम्बती रायडू और आते ही 6 भाई, आते ही छक्का मार दिया यहाँ पे अम्बती रायडू ने, कमाल का शॉट खेला भाई यहाँ पे। और रवि साई किशोर एकदम हक्का बक्का खाते हुए, ये कैसे हो गया, आते हुए एकदम छक्का, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे अम्बती रायडू द्वारा भाई। 6 रन बहुत ज़्यादा ज़रूरत था टीम के, और पहला 6 इस टूर्नामेंट का, पहला छक्का। दूसरा बॉल तैयार अम्बती रायडू और यहाँ पे भाई मिस कर दिया भाई, जज नहीं कर पाए गेम को। और भाई LB होते होते बचा एकदम, अगर थोड़ा और नीचे होता गेम तो शायद LBW हो जाता। 4 ही गेम बचे हैं इस टूर्नामेंट में, और यहाँ पे एक छोटा सा रन भाई MS धोनी को, और यहाँ पे पहुँच गए अम्बती रायडू, पहुँच गए। तो दोस्तों रन तो ज़्यादा मैं बना नहीं पाया मगर शायद मुझे गेमबाजी में थोड़ा बहुत अच्छा करना पड़ेगा वरना मैं ये वाला मैच जो है हारने वाला हूँ शायद। और फिर से रविशाई किशोर, सामने MS धोनी, और यहाँ पे MS धोनी, और यहाँ पे बहुत ऊंचा गया गेम, लगता है छक्का जाएगा। जी बिल्कुल, 6 रन MS धोनी के बल्ले से पहला छक्का इस टूर्नामेंट में भाई, 77 मीटर का छक्का। और बहुत देर से ट्राई कर रहा था भाई, एक भी बॉल सही ढंग से नहीं लग रहा था, अगर जाता भी था तो कैच आउट हो रहा था। तो MS धोनी के बल्ले से पहला छक्का इस टूर्नामेंट में। चलिए आखिरी बॉल इस टूर्नामेंट का, रन रेट 8.67, और यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथों, और यहाँ पे एक रन भाई ले लिया। तो रन ज़्यादा नहीं बना भाई, 40 रन बनाए सिर्फ, 40 रन में हमारा जो इनिंग्स है वो ख़त्म हो चुका है। 5 ओवर का बैटिंग हमने कर लिया, अब है बॉलिंग टाइम भाई। रन तो ज़्यादा नहीं बना मगर इधर गुजरात टाइटंस का जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रिद्धिमान साहा, काफ़ी अच्छे अच्छे बैटिंग है भाई उनके टीम में। और मुझे यहाँ पे देखिए शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह जो है, और केम विलियमसन भाई इस बार गुजरात टाइटंस के टीम में ही है, पिछले बार का चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन दीपक चहार, हमारे पहले बॉलर, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज। सोच रहा हूँ कि भाई फील्डिंग सेट कर लूँ पहले थोड़ा सा,
और मुझे भाई यहाँ पे कवर की दिशा में तीसरे घेरे के बाहर एक फील्डर चाहिए, वाइड लॉन्ग पे मुझे एक फील्डर चाहिए यहाँ पे। और चलिए पहला बॉल जो है मैं स्ट्रेट डालूँगा एकदम सीधा, और यहाँ पे पहला बॉल देते हुए, और यहाँ पे बढ़िया गेम, पीछे फील्डर, एक ही रन मिलेगा यहाँ पे। तो पहला बॉल फर्स्ट रन गुजरात टाइटंस के खाते में जुड़ता हुआ। दीपक चहार भाई ज़्यादा खुजा मत, गेंदबाजी अच्छी तरीके से कर भाई, जीतना ये मैच। रिद्धिमान साहा सामने, राइट हैंडेड बैट्समैन रिद्धिमान साहा। इस बार भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड गेम ही करूँ, थोड़ा साइड चेंज कर लेता हूँ। अब स्लिप है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आउट स्विंग डाल सकता हूँ, स्लिप यहाँ पे है, मैं एज निकालने का कोशिश मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा गेम यहाँ पे, लाइन और लेंथ एकदम ठीक ठाक, और सीधा फील्डर के हाथों में रविंद्र जडेजा। यहाँ पे बहुत बढ़िया फील्डर, बहुत बढ़िया बॉलर भी, स्पिनर भी हम कह सकते हैं। चलिए एक और ट्राई करते हैं, और यहाँ पे, और यहाँ पे भाई बड़ा शॉट भाई, 4 रन भाई यहाँ पे, फील्डर तीसरे घेरे के अंदर, और सीधा लॉन्ग ऑफ पे चौका मिलेगा यहाँ पे रिद्धिमान साहा को। भाई आते ही चौका लगा दिया यार, आते ही चौका। ओ भाई साहब, चौका क्यों नहीं लगाया गया भाई, फील्डिंग जो है वो तो भाई वहाँ से हट चुका है, तो वहाँ पे मुझे फील्डिंग देना है भाई। वहाँ पे एक फील्डिंग, क्या उतना दूर का फील्डिंग मैं यहाँ पे लेकर दूँ? चलिए इसका भाई वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ पे दे देते हैं चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एज निकालने का कोशिश करूँगा, आउट स्विंग डालूंगा यहाँ पे, अगर एज निकल गया तो बहुत बढ़िया बात होगा। और यहाँ पे इन स्विंग डालता हूँ, चलिए थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं यहाँ पे, और इन स्विंग का प्रयास सीधा पैरों पे, और यहाँ पे फील्डर पीछे थोड़ा सा दूर था मगर भाग के आया, 2 ही रन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैच जीतने का मेरा उम्मीद सिर्फ एक ही है कि मैं यहाँ पे विकेट निकालूँ, अगर विकेट ना मिला तो मैं यहाँ पे मैच जीत ही नहीं सकता। तो इस बार थोड़ा और अलग कुछ ट्राई करते हैं, थोड़ा ऑफ कट डालते हैं यहाँ पे, ऑफ कट डालते हैं तो सीधा एकदम विकेट के तरफ ही जाएगा गेम, अगर मिस कर दिया तो LBB हो सकता है। और यहाँ पे भाई फील्डर के गैप से निकाल दिया भाई गेम, बढ़िया बैटिंग यहाँ पे यार, बचा ले बचा ले, चलो बचा तो लिया, मगर 3 रन यहाँ पे मिल चुका है, 3 रन यहाँ पे भाई ले लिए सिंगल, 1 रन बचाए हैं यहाँ पे फील्डर ने, ठीक है कोई बात नहीं, एक एक रन अभी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सामने भाई शुभमन गिल, आउट स्विंग का प्रयास करते हैं, चलिए अगर एज लग गया तो बहुत बढ़िया होगा, विकेट मिल जाएगा एक यहाँ पे, और नहीं कुछ नहीं, फील्डर के हाथों में सीधा बॉल, और एक ओवर की समाप्ति यहाँ पे, एक ओवर खत्म होते हुए। रन कितना हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया, कितना रन हुआ भाई मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे एडम मिलने राइट एम फास्ट गेंदबाज, 10 रन हुए हैं एक ओवर की समाप्ति पे, सामने शुभमन गिल। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भाई स्पिनर दे दूँ, रविंद्र जडेजा को दे दूँ, क्योंकि मेरे पास 2 स्पिन हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, तो मैं फास्ट स्पिन करके ऐसे ही चलूँगा। चलिए ओवर द स्टम्प बॉल करते हैं, 24 गेंदों में भाई 30 रन की ज़रूरत है, और यहाँ पे पीछे 1 रन के लिए भाई खेल दिया, 1 रन तो नहीं, यहाँ पे 2 रन मिलेगा, दो नहीं भाई 3 भी मिल सकता है शायद, पीछे फील्डर मौजूद नहीं था। और यहाँ पे बढ़िया थ्रो, 2 ही रन मिला यहाँ पे, यार विकेट नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि विकेट कैसे मिलेगा। टॉप स्पिन डालता हूँ, चलिए टॉप स्पिन, फ्लाइटेड गेम, थोड़ा कुछ तो हो जाए, और हाँ हो गया भाई, मेरे लिए नहीं तो गुजरात टाइटंस के लिए हो गया, चौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि फील्डर जो सारे हैं वो तीसरे घेरे के अंदर है, मैं यहाँ पे तीसरे घेरे के बाहर जो है 3 ही फील्डर रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। और बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पे भाई रिद्धिमान शाह के द्वारा, फील्डर सेट करता हूँ एक बार, एक फील्डर तो दे देता हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि इधर तो मुझे नहीं लग रहा कोई यहाँ पे शॉट खेलेगा, लॉन्ग ऑन की तरफ एक फील्डर लगा देता हूँ, ऑफ ब्रेक डालता हूँ, चलिए। और यहाँ पे बढ़िया गेम भाई, यहाँ बैट पे लगा या पैड पे मुझे नहीं पता, मगर गेंदबाजी अच्छा हुआ यहाँ पे, एक तो विकेट निकालना ही पड़ेगा यहाँ से भाई, रविंद्र जडेजा, जडेजा चल जद्दू भाई, एक तो विकेट निकाल के दे मेरे, वही डालूंगा भाई, सामने शुभमन गिल है, और
कोशिश तो किया था, पीछे फील्डर मौजूद, शायद एक रन ही मिलेगा उनको। हाँ एक रन ही मिला, चलो बहुत बढ़िया। भाई मैच कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और भी मैच आने वाले हैं। अगर गेम पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे ये कैसा शॉट है, अरे सिर्फ फ्लिक कर दिया और मिड विकेट तरफ से सीधा चौका, पीछे फील्डर नहीं, और यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हुए सीधा चौका, बढ़िया है भाई। अगर ऐसे दो तीन शॉट्स और लग गए भाई तो मेरे भी लग गए, पहला मैच ही हार जाऊंगा चेन्नई को लेके। और यहाँ पे धोनी जी बिल्कुल नाखुश, जडेजा भाई आप कुछ तो करो, एक दूसरा डाल के देखो क्या होता है भाई। काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है गेम यहाँ पे, और दूसरा मगर यहाँ पे पढ़ लिया और फील्डिंग के ऊपर से भाई चौका। अरे भाई साहब, दो ओवर के समाप्त, 26 रन बिना किसी नुकसान पे। एडम मिलने को हम गेंदबाज देते हैं यहाँ पे, एडम मिलने राइट एंड फास्ट बॉलर। चलिए यहाँ पे देखते हैं एडम मिलने क्या करता है भाई। 26 रन हो चुका है दो ओवर की समाप्ति पे, 14 रन चाहिए 18 गेंदों पे। और यहाँ पे रिद्धिमान साहा बहुत अच्छे फॉर्म में, एक और यहाँ पे लेग साइड, मगर यहाँ पे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा, बहुत बढ़िया। साइड चेंज करते हैं, यहाँ पे सामने रिद्धिमान साहा, आउटस्विंग, एक आउटस्विंग डालते हैं, कोशिश करते हैं एज लगाने, क्या लगेगा क्या एज यहाँ पे, नहीं मगर यहाँ पे भाई डीप फॉरवर्ड के तरफ गेम बजाते हुए। और यहाँ पे भाई रन आउट का चांस था मगर रन पूरा हो गया। यहाँ पे फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करते हैं, चलिए यहाँ पे, अरे ये क्या खुल गया, फील्डिंग फील्डिंग, हाँ ये फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करते हैं यहाँ पे भाई। यहाँ पे इतने कम फील्डिंग प्रीसेट्स नहीं होते, यहाँ पे और भी होते हैं, मैंने अभी जो है गेम नया नया परचेस किया, इस वजह से शायद बहुत सारे फील्डिंग जो है यहाँ पे ओपन अभी तक नहीं हुआ, तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। तो चलो इसको ही सेट करते हैं और देखते हैं भाई हम कितना इसको डिफेंड कर सकते हैं। अब तो भाई 16 गेंदे में भाई 11 रन चाहिए, क्या ही होगा। और यहाँ पे रिद्धिमान साहा ने खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद, वहाँ पे एक रन मिलेगा वहाँ से, और काफ़ी बढ़िया थ्रो फील्डर का, बहुत बढ़िया भाई। गेंदबाजी तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रहा है अभी, मगर पहले हमने काफ़ी सारे रन हमने भाई दे दिए, और उसके बाद हमने ज़्यादा रन भी नहीं बनाए, तो बॉलरों का यहाँ पे कोई गलती नहीं है। शुभमन गिल, और हम इनको स्टैंडर्ड गेम देंगे भी स्टैंडर्ड। और यहाँ पे शुभमन गिल का काफ़ी अच्छा फ्लिक और सीधा वहीं पे डीप स्क्वायर लेग के तरफ बॉल, और यहाँ पे 2 रन का, और भाई थोड़ा सा यहाँ पे लेट कर दिया यार थ्रो करने में, वरना यहाँ पे रन आउट का चांस था और हो भी सकता था रन आउट। चलिए अगला बॉल की तरफ, और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि भाई एक आउट स्विंग देखिए, मैं एक विकेट तो निकालूँ, मगर यहाँ पे जो दो बल्लेबाज हैं भाई काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज हैं। और यहाँ पे अच्छी लाइन और लेंथ, सीधा फील्डर के हाथ में बॉल, रन नहीं मिलेगा मगर विकेट भी मुझे नहीं मिलेगा, और रन उनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब तो चाहिए भाई 8 रन 13 गेंद में, आउटस्विंग ही डालता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कुछ हो सकता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि चौका पड़ेगा इस गेम में। ठीक है तो बहुत बढ़िया, पीछे फील्डर नहीं है उस तरफ तो थ्रो करने में थोड़ा प्रॉब्लम, मगर एक ही रन नहीं आया यहाँ पे। अगले गेंदबाज सोच रहा हूँ कि भाई मोइन अली को ही देते हैं। चलिए 3 ओवर में भाई उन्होंने पूरा गेम जो है ख़त्म कर दिया है, और सिर्फ अब 7 रन का ज़रूरत, शायद इस ओवर में ये लोग कर देंगे 12 गेंदों में 7 रन। ठीक है 2 ओवर अभी भी बाकी, और यहाँ पे पहला गेम भाई एज लगा, मगर फील्डर के हाथों में सही सलामत कोई रन नहीं, बहुत बढ़िया गेम मोइन अली। दूसरा गेम यहाँ पे, और यहाँ पे भाई डीप स्क्वायर मिड विकेट की तरफ चौका मिलेगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया शॉट भाई शुभमन गिल का, बहुत बढ़िया शॉट, बल्ले पे एकदम बीचों बीच गेम, काफ़ी अच्छा टाइमिंग। और यहाँ पे चौके के साथ भाई 3 रन ही चाहिए अब, 3 रन 10 गेंदों में भाई ख़त्म होने वाला है भाई, ये वाला गेम ख़त्म होने वाला है।
और यहाँ पे ओ भाई ये गेम कमाल का था यार, मगर यहाँ पे एज भी नहीं लगा, विकेट में भी नहीं लगा भाई, हमारा बैड लक। वैसे गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई है, बैटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे, मगर गेम ठीक ठाक है। और यहाँ पे बॉल उठा के मारा, फील्डर पीछे पीछे दौड़ते हुए, मगर चौके के साथ भाई यहाँ पे गेम खत्म, मैच खत्म। यहाँ पे गुजरात टाइटंस जीतते हुए यहाँ पे, और चेन्नई सुपर किंग्स भाई पहला मैच हार चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, गेम प्ले कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल में इस तरह के और भी मैचेस आने वाले हैं अब, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी ज़रूर बजा दीजिएगा। और यहाँ पे गुजरात टाइटंस जीतते हुए भाई पहला मैच, चेन्नई सुपर किंग्स हार गए। कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा कि अगला मैच जो है हम ठीक तरीके से जीत जाएँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।